हेलो बच्चों, आज का डिस्कशन है और आज का जो मेन डिस्कशन है वो इस बात पे है कि क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चंस आपने मुझे मेल किए हैं मैं आज उनके आंसर दूंगा। आपने इस वीडियोस को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं, ठीक है, और वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होना है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ कि आज जो मैं क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, बच्चों ने कहा कि सर ये कुछ इक्वेशंस हैं इनको आप बैलेंस करिए, और बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँ कि देखिए, यदि ये चैनल आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित तौर पर बेटा हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो हम लोग एफर्ट्स कर लगा रहे हैं आपके साथ, ये एफर्ट्स में हमें उत्साह तभी मिलता है जब आप हमें वहाँ से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे बच्चे जो हैं हमारी बात को समझ रहे हैं, उन्हें हमारी बातें अच्छी लग रही हैं, और जब आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं निश्चित तौर पे आप उसे सब्सक्राइब करते हैं। तो यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा एक हौसला बढ़ता है, और मैं ज़रूर आप लोगों से सभी बच्चों से कहूँगा कि यदि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और केवल आप ही नहीं करिए अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस बारे में बताइए। चलिए तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। P4 गिव H2PO2 नेगेटिव, ये हाइपोफोस्फाइट एक्ट, दिस इज हाइपोफोस्फाइट एक्ट। पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं जरा इसको देखूं तो इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +1 होगा और यहाँ -3 होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में फास्फोरस का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जो इक्वेशन है यहां फास्फोरस का यहां रिडक्शन हो रहा है, यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन और फास्फोरस का ही रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस मतलब डिसिमिलर, प्रो मतलब प्रोडक्ट, यानी कि वो रिएक्शन जहां रिएक्टेंट कॉमन हो लेकिन प्रोडक्ट डिससिमिलर हो, ऐसी रिएक्शन को हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो ये कि इस रिएक्शन को अब आप दो पार्ट्स में लिखिए, एक पार्ट जो ऑक्सीडेशन बताए और दूसरा पार्ट जो रिडक्शन बताए। हमने इक्वेशन को दो हिस्सों में बांट लिया, जिसमें इक्वेशन में क्या हुआ कि पहले आपने ऑक्सीडेशन लिखा फिर आपने रिडक्शन लिख दिया। अब जो अगला स्टेप है उसमें यह कहा जाता है कि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहां फास्फोरस 4 है तो आप यहां 4 से मल्टीप्लाई करिए, यहां फास्फोरस है तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर आपने सारे एटम बैलेंस कर दिए। अब आपके पास अगला जो स्टेप है वो ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यदि मीडियम बेसिक है तो आप ऑथराइज दो चीजों के लिए हैं, वाटर और OH। वाटर और OH के जरिए आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। कैसे? अब जैसे यहां हमने लिखा है तो यहां हाइड्रोजन मेरे पास कितनी है 8, ऑक्सीजन कितनी है मेरे पास 8, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इधर 8OH लिखूं तो ये बैलेंसिंग हो जाती है। कई बार बच्चे मेरे से कहते हैं सर अपने वाटर का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, एक्चुअली वाटर का और हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल करना है ये एक मैनिपुलेशंस होती है, ये मैनिपुलेट करते हैं आप इसको कि कहां किसकी जरूरत है। तो यहां मुझे साफ नजर आ रहा था कि 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो मुझे सिर्फ 8 OH से मेरा काम चल रहा है तो मैं वाटर क्यों ऐड करूं। अब मुझे इस इक्वेशन पे आ जाना, यहां हमारे पास हाइड्रोजन 12 है और मुझे यहां 12 OH का इस्तेमाल करना है। बच्चे कह रहे हैं सर आपने 12 OH किया
मैंने इसलिए किया कि जिस साइड में जितने हाइड्रोजन ज़्यादा हों उस साइड में उतने आप OH जोड़ दिए, ताकि दूसरे साइड में आप वाटर का, कितने वाटर का, अब 12 वाटर का इस्तेमाल करके, इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 24 और इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं 12, यहाँ भी सेम पोजीशन है। इस तरीके से आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, बिल्कुल सही बात है। अब बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, अब आप हमें अगला स्टेप क्या है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कोई भी रिएक्शंस केवल एटम के बेसिस पे बैलेंस नहीं बताई जाती जब तक उसमें चार्ज भी बैलेंस ना हो, यानी कि चार्ज बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड में, दोनों साइड में एटम बैलेंस होने चाहिए, तब वो इक्वेशन बैलेंस होती है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ निगेटिव चार्ज -8 यूनिट है, यहाँ निगेटिव चार्ज -4 यूनिट है, तो क्यों ना मैं इधर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करके इधर भी निगेटिव चार्ज 8 यूनिट कर दूँ। यहाँ निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, और यहाँ 12 है, तो क्यों ना मैं इधर 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ। जब मैं यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ तो अब दोनों साइड में चार्ज बैलेंस है, दोनों साइड में, तो अब मुझे दोनों को ऐड करना है लेकिन इलेक्ट्रॉन को मुझे कैंसिल आउट करना है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हटा दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास OH इस साइड में हो जाएंगे 24 और इस साइड में OH है कितने 12, तो क्यों ना मैं इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं यहां 12 OH लिख दूं। अब 12 OH और फास्फोरस कितने हैं 3 P4 और यहां वाटर कितना है, वाटर आपका 12H2O gives और ये हो जाएगा 12H2 PO2 negative plus 4PH3। इस तरीके से आपकी इक्वेशंस बैलेंस हो जाती है। तो ये जिस बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था तो ये मेरा उस बच्चे के लिए आंसर है कि आप इसको देखिए और देखने के बाद ये कमेंट्स जरूर लिखिए कि आपको आंसर कैसा लगा। तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। तो अब बेटा हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चंस, जो कि मुझे दूसरा क्वेश्चंस मुझे भेजा बच्चों ने, और जिस बच्चे ने भेजा मुझे वो ईमेल पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें उसने लिखा कि सर ये क्वेश्चंस मैं जब अपने क्लास में पूछा तो थोड़ी मुझे हेजिटेट हुई, तो थोड़ी हेजिटेशन हुआ, मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुई, और टीचर ने इस क्वेश्चन को कहा कि वो बेहद सरल है। बिल्कुल बात सही है कि वो सरल है, और उन्होंने ये कहकर क्वेश्चन मुझे नहीं बताया। खैर अब वो आपको आंसर नहीं बताया गया क्लास में तो कोई बात नहीं, हम इसको आपको आंसर बताते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर जरा सुनिए कि ऐसे इसको करना क्या है। वही तरीका, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर देखें, ये 0, ये 5, ये 5, ये 5, 2 दिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिडक्शन हुआ और ये इसका ऑक्सीडेशन, ये दो स्टेप है। तो मैं इक्वेशन को दो हिस्सों में बांटूंगा, एक Cu gives Cu NO3 whole twice, दूसरा HNO3 gives NO। okay. अब बेटा हम लोग इक्वेशन को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया जैसा कि इस रूल्स, तो अब दो इक्वेशंस को जब दो हिस्सों में बांटा तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सारे एटम बैलेंस करेंगे। बच्चे कहते हैं सर इस साइड में नाइट्रोजन है इधर नहीं है, तो हम देखेंगे तो इस साइड में नाइट्रोजन नहीं है तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में चेक करेंगे कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रिक यहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए दो नाइट्रिक एसिड ऐड करने पड़ेंगे। ओके, अब क्या होगा कि अब ये इक्वेशन में नाइट्रोजन बैलेंस है, और ये मैं कह चुका हूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस इस स्टेप पे नहीं किया जाता। इसके बाद आप क्या करेंगे,
अब यहाँ देखें, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना, तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चे कहते हैं सर अगला स्टेप जो है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, लेकिन उसके लिए मीडियम प्रोवाइड होता है। अब मीडियम मेंशन नहीं, पता है कि मीडियम एसिडिक है। अब यदि ये एसिडिक है तो या तो मैं HN का इस्तेमाल करूं या वाटर का इस्तेमाल करूं, या तो मैं HN का इस्तेमाल करूं और या मैं वाटर का इस्तेमाल करूं, इन दोनों में से किसी एक चीज़ का, या दोनों का इस्तेमाल करूं, या किसी एक का या दोनों का। हाँ, इनके अलावा मैं किसी और चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ और यहाँ में सब कुछ ओके है, सिर्फ दो H उधर ज़्यादा है, तो हमने इधर 2H पॉजिटिव लिखा। और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ दो प्रॉब्लम्स हैं, क्या कि हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है ऑक्सीजन भी, तो पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। जब कभी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अनबैलेंस हों तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया जाए। तो जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है या 2 है, तो मैंने इस साइड में 2H2O ऐड कर दिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब H इधर 4 है, इधर 1 है, तो इधर मैंने 3H पॉजिटिव लिखा, तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या करें, अब चार्ज बैलेंस करें। यहाँ सब कुछ बैलेंस है, यहाँ 0, यहाँ +2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाते हैं, और यहाँ पर क्या है 3, यहाँ 0, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जाते हैं। तो जिससे क्या हुआ कि मेरी इक्वेशन में चार्ज और एटम दोनों बैलेंस हो गए। इलेक्ट्रॉन को मुझे कैंसिल आउट करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा, इसको ख़त्म करिए और मुझे ऐसा लगता है कि ये H भी ख़त्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये हो जाएगा 2, 8, 8 नाइट्रिक एसिड प्लस कॉपर, और कॉपर कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 Cu NO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O, इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर इस क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस कैसे करें। इस क्वेश्चन को जब हम बैलेंस करेंगे तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमारे पास एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और हाइड्रोजन का रिडक्शन। तो हमने एक इक्वेशन लिखी है, Al gives NaAlOH whole 4, और एक इक्वेशन है H2O gives H2। इसके अंदर एक बात जरा समझिएगा कि अब इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सब चीज़ें यदि बैलेंस करनी हैं तो आपको सोडियम बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ क्योंकि सोडियम एक है तो मुझे एक सोडियम इधर चाहिए और इधर सोडियम NH की फॉर्म में, तो मैंने ऐड कर दिया, ओके। बच्चे कहते हैं सर इधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, मीडियम बेसिक है, और यदि मीडियम बेसिक हो तो उसके अंदर एक लॉजिक है कि जितने ऑक्सीजन हों, अब देखिए मान लिया जाए मैं इधर एक वाटर ऐड कर दूंगा ना, तो एक वाटर ऐड करने पर क्या होगा, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन ज़्यादा हो, जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर उसी साइड में उतने वाटर को ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप देखें तो अब आप 2OH निगेटिव ऐड करें, इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ठीक है, ओके। इसके बाद मुझे बैलेंस करना है चार्ज, तो चार्ज बैलेंस जब मैं करने के लिए चल रहा हूँ तो इक्वेशन 1 के अंदर मैंने देखा कि हमने एक गलती की है, वो ये कि यहाँ OH 4 थे और मैंने NaOH 1 लिखा, तो मुझे यहाँ 4 लिखना चाहिए था, यानी कि 4 NaOH होने चाहिए थे, तो शायद वो आपने भी गलती नोटिस की होगी। तो अब क्या हुआ कि इधर सोडियम कितने हैं 4, इधर सोडियम 1 है, तो मुझे इधर 3 सोडियम और ऐड करने पड़ेंगे। यदि मैं 3 सोडियम ऐड नहीं करूंगा तो हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। चलिए इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन में यदि मैं देखूं तो ऊपर और नीचे
यदि हम देखें तो हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम, एवरीथिंग इज बैलेंस, ठीक है, ओके. लेकिन अब चार्ज के बारे में आता है तो इधर मुझे तीन नेगेटिव, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे. और इस साइड में यदि मैं आता हूं तो मुझे इधर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, ओके. अब आप इक्वेशन में इस इक्वेशन को तीन से और इसको दो से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन खत्म कर दें, क्योंकि आपने यहां पे क्या किया बेटा, दो से मल्टीप्लाई की, तो दो से मल्टीप्लाई करके NaOH कितना हो गया, एट, एट NaOH प्लस टू Al, ओके. और वाटर यहां पर कितना हो जाएगा, सिक्स, सिक्स एच टू गिव्स टू Na AlOH होल फोर प्लस थ्री एच टू, और यहां पर हो जाएगा थ्री एच टू, Na यहां पर सिक्स, OH भी यहां पर सिक्स, प्लस सिक्स NaOH, ओके. अब इधर एट NaOH है, इधर सिक्स है, तो आप इसको हटाइए और इसको भी हटाइए और इसके स्थान पर लिख दीजिएगा 2NaOH, और ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन आपके सामने तैयार होती है. तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन मेरे से पूछा था, मैं फिर उसे कहूंगा कि वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि वो इस इक्वेशन को उसे समझ में आया है या नहीं जो बैलेंसिंग हमने की है. तो ठीक है, हम अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लाते हैं. बच्चों का क्वेश्चन था कि सर इस इक्वेशन का बैलेंसिंग कैसे किया जाएगा. चलिए हम आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब बड़े आसानी से देते हैं. इसमें पहला, सबसे पहला काम तो बताइएगा कि यहां जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा. सल्फर मेटलॉइड या मेटल के साथ जब भी होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, माइनस टू, यानी कि ये सल्फाइड फॉर्म में होता है, ओके. सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में कब जाता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ हो या फ्लोरीन के साथ हो या अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट के साथ हो. यदि अपने से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ है तो हमेशा माइनस टू होता है, तो यहां पे माइनस टू ही होगा. और यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पांच होगा, जैसा कि हम सॉल्व करना जानते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बात कहूं कि ये ऑक्सीडेशन है और ये कहूं कि ये रिडक्शन है, तो बिल्कुल सही बात है इक्वेशन को. तो अब हम क्वेश्चन नंबर फोर, इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको देंगे. बच्चों ने कहा सर ये क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा मेल इसी क्वेश्चन की थी. मेरे मेल बॉक्स में सबसे ज़्यादा बार यदि मैं देखूं तो शायद ये 16 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है. तो अब ये 16 स्टूडेंट्स की ही प्रॉब्लम से एक साथ बनी है, तो हो सकता कोई ना कोई तो कारण रहा होगा. तो सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन आपके सामने लिख दी है, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और आपको बता दिया है किसका ऑक्सीडेशन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे As2S3 और यहाँ हो जाएगा Na2SO4, और दूसरी इक्वेशन है NaClO3 gives NaClO, ओके. तो सबसे पहले आप सोडियम को समझें और सल्फर को समझें, तो यहाँ सल्फर तीन है तो यहाँ तीन सल्फर, यहाँ आर्सेनिक आपके पास दो हैं, तो इस फॉर्म में आर्सेनिक को बैलेंस करने के लिए आपने 2Na3AsO3 लिख दिया. आपने आर्सेनिक को बैलेंस कर दिया, आपने सल्फर को बैलेंस कर लिया, ठीक है, और आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई. लेकिन अभी आप सोडियम के बारे में कुछ जान दें. यहाँ सोडियम कितना है, सिक्स, और यहाँ भी सिक्स, तो सिक्स एंड सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व NaOH, ओके. इसके बाद अब आपने क्या करना है कि NaClO3 से NaOCl बनाया आपने. तो मुझे लगता है कि ऊपर वाली इक्वेशन में सारे एटम्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बैलेंस हैं और नीचे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सारे एटम बैलेंस हैं. तो अब क्या करें हम लोग, अब तो भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बारी आ ही गई. बहुत देर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंतजार कर रहे थे कि हमारी कब बारी आए, तो उनकी बारी आ गई. अब वो बैलेंसिंग
के लिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि सर हमें कैसे बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि अब ये न्याय करना है अब यहाँ पे। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ ऑक्सीजन आपके पास है 4, 3, 12 और ये 6, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ 18 ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 12। ओके, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखूं तो इधर हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन इधर 12 है और इधर हाइड्रोजन कितनी है, इधर हाइड्रोजन 0 है। तो इस साइड को यदि आप देखें और समझने की कोशिश करें तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन आपके पास इधर 6 ज़्यादा है और हाइड्रोजन इधर आपके पास 12 ज़्यादा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इधर 6 ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर 12 हाइड्रोजन ज़्यादा है, दोनों ही अनबैलेंस हो गए। तो अब क्या करें, ये तो बड़ा मुश्किल केस बन गया। तो अब आप किसी एक चीज़ को पहले बैलेंस कर डालो, ठीक है। तो अब जिसको आप बैलेंस करें वो क्या होना चाहिए, देखिए जिसको आप बैलेंस करें पहले आप हाइड्रोजन को ही देखें, इधर इधर हाइड्रोजन कितने 12, इधर नहीं है तो आप इधर 12 OH लिख दो। जिस तरफ जितने हाइड्रोजन ज्यादा है उधर उतने OH डाल दो ताकि मैं दूसरी साइड में 12 H2O लिख दो। ओके, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 12 and 12 24, इधर भी, लेकिन ऑक्सीजन अब आपके पास इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं। अब जरा ऑक्सीजन की बात देखें, ऑक्सीजन अब आपके पास हो गए हैं 12 12 24 और यहां ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 12 6 18 और 18 plus 2 20 30 ऑक्सीजन, यानी कि इसका मतलब यह है कि इधर अब 30 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है। तो भैया जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा हो उधर आप उतने वाटर ऐड कर दीजिएगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल कि इसका मतलब है 6 का डिफरेंस, तो 6 वाटर यदि मैं इसमें ऐड करूंगा 6H2O और इसका डबल यहां OH ऐड कर दीजिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ नेट शेल में बात ये हुई कि ये हो गए 24 और ये हो गए 18। तो मुझे यहां पर इस 18 को, इसको सीधा 18 वाटर लिख देना चाहिए और इसको 24 OH लिख देना चाहिए, तो शायद मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा। ओके, अब मेरे पास एवरीथिंग इज बैलेंस, हाइड्रोजन 36, हाइड्रोजन 12, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है बेटा 12 plus 24, ओके 24 OH। तो अब हमारे पास यदि आप देखें तो हाइड्रोजन यहां पर कितनी है 36, हाइड्रोजन यहां भी 36, ऑक्सीजन यहां कितनी है 18 plus 6 24 24 plus 12 36, ऑक्सीजन यहां कितनी है, ऑक्सीजन यहां भी बैलेंस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। चलिए एक बहुत बड़ी मुश्किल से हम बाहर आ गए। यहां पर यदि हमने देखें तो यहां ऑक्सीजन 2 यूनिट ज्यादा है, बाकी सब कुछ बैलेंस है, इधर आप 2H2O ऐड कर दें, इधर आप 4OH ऐड कर दें, इक्वेशन बैलेंस। तो यहां पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन और इसके पास यहां 4 इलेक्ट्रॉन और यहां पर आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाली इक्वेशन को अब आप 6 से मल्टीप्लाई करें, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, ये आपका OH भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप, क्योंकि इक्वेशन को आप नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके पास वाटर यहाँ पे 12, यहाँ वाटर कितना 18, तो इसका मतलब यहाँ वाटर 6 यूनिट वाटर प्लस 12 NaOH प्लस As2S3 प्लस 6NaClO3 gives 6NaClO3 plus 6NaClO and 3
Na2SO4. This is balance, this is balance, and this one is also balance. और ये आपके पास एक balance equation हो जाती है. मुझे लगता है कि शायद आपको ये question भी बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए अब next question की तरफ चलिएगा. आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चंस ले चलते हैं. ये और ये क्वेश्चंस जो पूछा है मेरे से, ये क्वेश्चन है प्रज्ञा ठाकुर. और यहाँ इस क्वेश्चंस की जरा अब आप समझिएगा कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले बेटा हम समझेंगे कि यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ कॉपर का 2 है. नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, यहां 4 है. ऑक्सीजन यहां -2 है, यहां 0 है. एक्चुअली में इसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक ही मॉलिक्यूल का कुछ हिस्सा रिड्यूस हो रहा है. दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस. इसकी कैटेगरी है इंट्रा मॉलिक्यूलर. तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें इसके साथ हमारे पास, कि हम इसको ऐसे लिख लें, CU NO3 होल ट्वाइस NO2, और एक इक्वेशन लिखें CuNO3 होल ट्वाइस CO2. अब इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन चेक की, 2 नाइट्रोजन बैलेंस. नीचे वाले केस में मैंने देखा कि यहां मेरे पास नाइट्रोजन ओके. अब नाइट्रोजन तो इधर नहीं है ना, कॉपर है. तो आप इस पूरे सिस्टम को आप ऐसे लिख डालें, क्योंकि आपको तो प्रोडक्ट साइड में कॉपर भी चाहिए और नाइट्रोजन भी चाहिए. नाइट्रोजन यहां 2 है तो यहां 2 लिख दीजिएगा. नाइट्रोजन यहां 2 है और कॉपर 1 है, एवरीथिंग ठीक ओके. ऊपर क्या है, ऊपर भी आपके सामने प्रॉब्लम है. ठीक है, ये आपने कॉपर बैलेंस है, यस बैलेंस है. नाइट्रोजन बैलेंस है, यस बैलेंस है. बाकी की मुझे कोई चिंता नहीं है. कॉपर बैलेंस है, यस बैलेंस है. नाइट्रोजन बैलेंस है, बैलेंस है. ठीक है, मीडियम, अब आप मीडियम कोई भी यूज कर सकते हो, एसिडिक यूज करें या बेसिक. तो ऐसे केस में आप बेसिक, मेटल ऑक्साइड बन रहा है तो मेटल ऑक्साइड थोड़ा बेसिक नेचर प्रेफर्ड रहेगी. ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां पर 6 है, यहां ऑक्सीजन कितनी है, यहां ऑक्सीजन आपके पास 5 है. एक ऑक्सीजन ज्यादा है, मीडियम बेसिक है. जिधर ऑक्सीजन जितनी ज्यादा हो उधर उतने वाटर ऐड करके दूसरे साइड पे आप OH ऐड करें, मेरे ख्याल से ये जो रिएक्शन है तो कम से कम बैलेंस हो गई. ओके, दूसरी इक्वेशन में देखते हैं. यहां ऑक्सीजन 6 है और यहां ऑक्सीजन इस समय 7 है. ठीक है ओके, तो यदि ऑक्सीजन यहां पर आपके पास 7 और इधर 6, तो इस साइड पे आप एक H2O ऐड करें जितनी साइड में, और इधर 2OH, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें और इसमें भी आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें. मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशन को आप ऐड करें, बैलेंस इक्वेशन आपके पास आ जाती है. सिंपल, आप ऐड करें और आपके पास बैलेंस. तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे बच्चों का है कि सर Fe3O4, Pb3O4 और CaOCl2. यहां Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो यहां जो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और यहां Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो कुछ बच्चे इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 8/3, इसका भी 8/3, और यहां जो Cl है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0. तो मेरा उन बच्चों से क्वेश्चन है कि यदि किसी कंपाउंड में आप किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन फ्रैक्शनल देख रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर उस एलिमेंट के जो एटम है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है. एक्चुअली में ये जो Fe3O4 है, यहां ऑक्सीडेशन Fe का फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग ऐसे समझें, FeO प्लस
Fe2O3 ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ओके। बच्चे कह रहे हैं सर यहां पर आप क्या सोचेंगे, यहां भी सेम बात है कि ये PbO और PbO2 का मिक्सचर, ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है। तो सर कह रहे हैं यहां जीरो, देखो बेटा एक बात आप समझ लें, किसी कंपाउंड के अंदर यदि किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो आ जाए ना, तो समझ लीजिए यहां भी उसकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि जब वो किसी कंपाउंड के अंदर होगा तो निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हुआ होगा, तभी वो कंपाउंड बना है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज आए होंगे, और चार्ज यहां शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक मिक्स सॉल्ट है, यहां दिस Cl का यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि Cl दो फॉर्म में, यहां Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहां -1 है। तो ये एक मिक्स सॉल्ट है, और उस मिक्स सॉल्ट में हमारे जो क्लोरीन है वो दो फॉर्म में, हाइपोक्लोराइट एंड क्लोराइट। तो इस तरीके से CaOCl2 में भी Cl का, तो ये एक मिक्स सॉल्ट कहा जाता है, क्योंकि दो टाइप के यहां एनायन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PbI4 गिव PbI2 प्लस I2। PbI4 अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि Pb+4 जो है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है Pb2 में, और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है जीरो में, तो इसलिए ये अनस्टेबल हो जाते हैं। सेम रीजन Fe3 एंड सेम रीजन दिस CU2I2+I2, ओके। चलिए अब आपको यहां मैं कुछ एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। लाइव एग्जांपल ये है CuSO4+2Ki gives CuI2+K2SO4। एक्चुअली इस रिएक्शन में CuI2 नहीं बनता है, क्योंकि ये होता है अनस्टेबल, और ये अपने आप को तोड़ लेता है CuI में और I2 में, और फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, तो इक्वेशन को ऐड करने पर 2CuSO4+4Ki gives 2CuI+K2SO4+I2। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हम बैलेंस करके दिखाते हैं कि इसमें यहां एक थोड़ी सी बाकी क्वेश्चन से एक फर्क है। यहां आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, और यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, और यहां कार्बन का 4 एंड दिस इज 3। ये आयरन इसमें और ये कार्बन इस फॉर्म में चेंज हो रहा है। ये आयरन चेंज हो रहा है Fe+3 में, यानी कि एक तो आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, एक यहाँ कार्बन का, लेकिन रिडक्शन केवल इसी का ही है। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखें? Fe C2O4 गिव्स Fe+2CO2, क्योंकि दो कार्बन है, तो मैंने, और यहां Fe+3। इसके बाद दूसरी इक्वेशन बनेगी MnO4- गिव्स Mn++। मीडियम इसका एसिडिक है, अब वो एसिडिक मीडियम में ही, क्योंकि MnO4 एसिडिक मीडियम में ही Mn+2 में चेंज होता है। अब हम इस इक्वेशन को लिखें, तो यहां इक्वेशन को बैलेंस करें, 4 ऑक्सीजन मीडियम एसिडिक 4H2O एंड दिस इज 8H+। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां यदि मैं देखूं तो एवरीथिंग इज बैलेंस एक्सेप्ट चार्ज, तो यहां 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर दें,
और यहाँ आपके पास 7 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव, मुझे यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लिखने चाहिए। नीचे वाली इक्वेशन को 3 से और ऊपर को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 5 Fe C2O4 प्लस 3 MnO4 नेगेटिव प्लस 24H पॉजिटिव गिव्स Fe प्लस 3 प्लस 10 CO2 प्लस 3 Mn+2 प्लस 12 H2O इक्वेशन बैलेंस। ओके,